नाज़रीन इकराम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। गोरी बिदनूर तालुक हिंदूपुर रास्ते पर वाकई कदरन हली गांव में यहाँ की जामे मस्जिद में यहाँ के मकामी मौलाना इदरीस ने जामिया इस्लामिया के नाम एक मदरसा कायम किया है। 22 तलबा क़यामत आम के साथ शोबा हिफ्ज़ और नाजिरा स्कूल की तालीम के साथ पढ़ रहे हैं। मौलाना इदरीस इस मदरसे के महतमीम हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ 12 तलबा मकामी हैं। स्कूल तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का निज़ाम कायम किया गया है ताकि हमारे बच्चे बेहतरीन तालीम याफ्ता हो। मौलाना ने बताया कि जमीयत ओपन स्कूल खोलने की कोशिश में है। इन्होंने बताया कि जगह नाकाफ़ी होने की वजह से मस्जिद की इमारत बहुत खस्ता हालत में है। एक नई इमारत मस्जिद मदरसे के तौर पर तामीर काम के सिलसिले से कोशिश में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मदरसे में जो मदरसा जामिया इस्लामिया के नाम से, ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह नए नए तरीके से पैदा हुआ। इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 22 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ शहरी तलबा भी हैं। शहरी तलबा एक 12 तलबा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तलबा भी तालीम हासिल कर रहे हैं और इसी जो 22 तलबा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल वगैरह भी जा रहे हैं। तलबा स्कूल के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। और फिर यही वो मदरसा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तलबा स्कूल के साथ साथ जैसा 6th पढ़ रहे हैं, 7th पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह 17 पारे हिफ्ज़ कर लिए, कोई 14 पारे हिफ्ज़ कर लिए, कोई नाजरा मुकम्मल कर लिए, कोई 2 पारे हिफ्ज़ कर लिए। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह काम किया जा रहा है। आइंदे के अज़ाइम क्या ही मतलब इंशाल्लाह? आइंदे के अज़ाइम यही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के साथ ये कौम की रहबरी हो जाए, हमारे तलबा और तलबा को अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाए, ये हमारे आइंदा के ये अज़ाइम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चल रहे हैं। हमारे बच्चों के हर बच्चे का ताल्लुक़ इक़रा बिस्मि रब्बिक के साथ जुड़ जाए। जब अल्हम्दुलिल्लाह इक़रा बिस्मि रब्बिक के साथ हमारा ताल्लुक़ जुड़ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन और दुनिया में दोनों जगह कामयाबी मिलेगी। मौलाना, इन बच्चों को जो आप कुरान मजीद की तालीम दे रहे हैं, हाफिज़ कुरान बना रहे हैं, तो इनको असरी तालीम भी ज़रूरी है ना? हाँ, असरी तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या इंतज़ाम करेंगे आप? इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ओपन स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं जी। और उसके साथ साथ जो रेगुलर स्कूल है, सामने एडेड स्कूल भी है और हमारे दीनी तालीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा यहाँ से एडेड स्कूल जाते हुए 95 नंबरात से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल किए हुए और फिर 70 नंबर से कामयाबी हासिल किए, 60 नंबर से कामयाबी हासिल किए हुए, ये तरतीब से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल कर रहे हैं तलबा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। और क्या ही आप मदरसे के क्या ही? मैं मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट भी हूँ और उसके साथ साथ बानी व मोहतरम भी अल्हम्दुलिल्लाह रखा गया है और दूसरे और भी पूरे 12 जिम्मेदार हजरात भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 12 जिम्मेदार हजरात और पूरे जिम्मेदार हजरात के मशूरे से, इस कमेटी के मशूरे से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं और मस्जिद की तामीरी काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है। क्यों, यहाँ पर तलबा पढ़ रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, ये जगह सब काफ़ी नहीं है। मस्जिद जब बारिश पड़ता है तो पानी भी मस्जिद के अंदर टपक रहा है और तलबा को सोने के लिए ना काफ़ी है और बाहर तलबा सोते हैं तो इसके अंदर कभी सांप भी आ जाता है, कभी बिच्छू भी आ जाते हैं, ये ऐसे हादिसात कभी कभी होते रहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को मस्जिद की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। नीचे मस्जिद हो जाए, ऊपर मदरसा हो जाए, ये अंदाज से हम लोग जी कोशिश कर रहे हैं।